Good afternoon, dear students. Namaste. You all are watching us on eVidya channel number 10 and our YouTube channel NCRT Official. And I am Kusum Prasad. So, dear students, this session is live interactive session for class 10th students. And the subject is mathematics. And the chapter is statistics part 1. And to teach this subject, our today's expert is Ms. Savita Graak ma'am. नमस्कार मैम, यू आर वेलकम इन दिस सेशन. आपका बहुत बहुत स्वागत. नमस्कार मैम. मैम इज टीचर फ्रॉम गीत. नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम, आपका बहुत बहुत अभिनंदन. सविता मैम है टीचर फ्रॉम गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सलारपुर रोड कुरुक्षेत्र से. सो मैम विल टीच यू मैथमेटिक्स एंड द चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1. सो बिफोर वी बिगिन दिस सेशन I will tell you about various medium from where you can contact us, and you can call us on our phone number, that is 8800440559. You can note down, it's flashing on your TV screens, and you can also email us. Our email ID is dth.class10@ciet.nic.in. And apart from this, you can also drop your messages, your comments, your feedback on our YouTube channel, that is NCRT Official. So let's move to our experts. Our expert ma'am, Savita ma'am. Ma'am, let's begin this session, and our chapter is Statistics Part 1. Yes ma'am. Yes. So hamara aaj ka topic hai, jaise ki aapne bataya, Statistics Part 1. This is a topic for the students of class 10. और स्टेटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम पूरी तरह से आंकड़ों के बीच में, डेटा के बीच में, इन सब चीजों से रिलेटेड ही बात करेंगे. स्टेटिस्टिक्स की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले वी मस्ट नो दैट व्हाट डू वी मीन बाय स्टेटिस्टिक्स, और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि होता क्या है स्टेटिस्टिक्स. बेसिकली स्टेटिस्टिक्स एक ऐसा फील्ड है मैथमेटिक्स का जिससे रिलेटेड बहुत से एग्जांपल्स हमारे व्यूअर्स अपने आसपास देखते रहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ कि हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, लेट इट बी अ 2020 मैच, और अभी बीच में ही हमने ज्वाइन किया है, वी आर स्टार्टिंग वॉचिंग द मैच आफ्टर 10th और 11th आवर. ओ तो होता क्या है कि बीच में एक चार्ट आता रहता है, ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी बनी होती है, और उस चार्ट को देखकर हमें समझ आ जाता है कि ओ इस 11th ओवर में इस टीम ने तो इतना स्कोर किया था, लेकिन अभी जो दूसरी टीम खेल रही है वो टीम उनसे कम स्कोर कर पा रही है इस पर्टिकुलर ओवर. हम उस चार्ट को देखकर ही समझ आते हैं, जिससे कि कुछ ऐसा चार्ट हम यहाँ पर ड्रॉ भी करते हैं, हमारे व्यूअर्स समझ जाएंगे. इस तरह का कुछ चार्ट को बना होता है जैसा, और इस पे हमारे सामने कुछ ओवर्स लिखे होते हैं, जैसे कि यहां पर हमारे पास है 0-1 यानी कि द फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, फिफ्थ ओवर, और दूसरी तरफ हमारे पास यहां पर स्कोरिंग दी होती है, दैट इट बी 5, फर्दर इट इज 10. और यहाँ पर एक ऐसा चार्ट जो है हमारे सामने बना हुआ होता है, लेट इट बी दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, ऐसा ही दूसरी टीम के लिए थोड़ा सा अलग कलर के जो है चार्ट बनाकर वो हमारे सामने दे देते हैं. तो उस चार्ट को देखकर हमें समझ आ जाता है पर्टिकुलर टीम ने किस ओवर में हाईएस्ट स्कोर किया, पर्टिकुलर टीम कौन से ओवर में ऐसा रहा कि जहां पर वो ओवर ही मेडन ओवर रहा, कुछ कर ही नहीं पाई वो टीम उस ओवर में. तो इस चार्ट की अगर हम बात करते हैं, दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टेटिस्टिक्स. इसी तरह से स्टेटिस्टिक्स में हमारे बच्चे ड्रॉ करना सीखते हैं पाई चार्ट, पाई चार्ट के बाद बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और क्लास 10th में हमारे बच्चे सीखेंगे ओजाइव्स. दिस विल बी मोर देन ओजाइव एंड लेस देन ओजाइव. सो डिस्कस करते हैं अब इसी बात को एक बार फिर से, व्हाट स्टेटिस्टिक्स इज. अगर हम इसकी बात करते हैं, दिस इज द कलेक्शन, इन कलेक्शन ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर डेटा. जैसे हम यहाँ पर पर्टिकुलर अलग अलग ओवर में स्कोर की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट ओवर में 10 रन थे, सेकंड ओवर में 12 रन थे, थर्ड ओवर में 3 रन उस टीम ने स्कोर किए, तो दैट इज द कलेक्शन ऑफ द डेटा.
उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद एक प्रॉपर ऑर्डर में प्रिपेयर करना, प्रिपेयर करने के बाद उसको एनालाइज करना और एनालिज्म की हेल्प से फर्दर इंटरप्रिटेशन करना ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल डेटा इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कि डिफाइन करता है कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर डेटा, प्रिपेरेशन ऑफ डेटा इन अ प्रॉपर ऑर्डर, क्योंकि डेटा भी दो तरह का होता है, रॉ डेटा, रॉ डेटा का मतलब जो डेटा आपने रफली कुछ भी कलेक्ट कर लिया। अगर हम बात करते हैं कि मुझे पर्टिकुलर अपने घर के आसपास के कोई 20 घरों में, ऐसा मैं किसी अपने स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट देती हूँ कि 20 हाउसेज में आपको कन्फर्म करना है, आपको पता करना है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स, वो भी मैं साथ में ऐड कर देती हूँ कि टू व्हीलर व्हीकल्स एंड फोर व्हीलर व्हीकल्स कितने कितने हैं पर हाउस। तो द चाइल्ड कैन गो हिमसेल्फ फर्स्ट घर में जाता है, पता करता है, फिर सेकंड घर में, वो कहीं भी उस डेटा को रफली नोट कर रहा है, दैट इज द रॉ डेटा। फिर उस डेटा को वो प्रिपेयर करता है इन अ प्रॉपर ऑर्डर और उससे फिर एनालाइज हम कर पाए कि ओके नंबर ऑफ टू व्हीलर्स ज्यादा है इन हाउसेज में और फॉर द नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स। So this all is known as the analyze and interpretation. So data की जब से हम बात कर रहे हैं कि what data is, हमारे viewers समझ गए हैं, data is basically the set of information in numerically figures which is collected with a definite purpose. जब हम किसी purpose से purposefully कोई भी numerical figures collect करते हैं, एक teacher है वो class में देखता है कि मेरे सामने मेरे 40 students बैठे हैं और इन 40 स्टूडेंट्स को मैंने कोई मैथ्स का एक एग्जाम दिया, लेट इट बी अ टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स, और टेस्ट देने के बाद आई एम चेकिंग द पेपर्स वन बाय वन, मैं अपने बच्चों को मार्क्स दे रही हूँ, एनीवन इज गेटिंग 10, एनीवन इज गेटिंग 50 और 40 और 42। तो ये रॉ डेटा के फॉर्म में सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है, लेकिन उस सबका जो पर्पज है मैं उसको बाद में एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाकर अपने सामने लिखती हूँ और मेरा पर्पज ये है कि लेट मी सी कि कितनी रेमेडी की जरूरत है, बच्चे कौन कौन से टॉपिक में ज्यादा लैग कर रहे हैं, पूरे रेमेडियल प्रोग्राम के अंडर हमें क्या करना है आगे। देयर इज अ डेफिनेट पर्पस फॉर एवरी टीचर फॉर टेकिंग अ टेस्ट एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, द फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा, द सेकंड इज सेकेंडरी डेटा। व्हाट प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा आर, द डेफिनेशंस आर गिवन हियर। प्राइमरी डेटा इज बेसिकली द डेटा व्हिच इज कलेक्टेड by the investigator himself। जैसे मैंने अभी एक example दिया था कि अपने class के students को teacher कोई project देता है कि आप अपने घर के आसपास 20 houses में number of vehicles count करके, तो वो investigator अगर खुद से पर घर से घर, एक घर से दूसरे घर, to every home खुद जा रहा है, then this data is known as the primary data। लेकिन अगर वो वहीं बैठकर पापा जरा बताना कि सो एंड सो मिस्टर शर्मा के घर पर कितने व्हीकल्स हैं, मिस्टर वर्मा के घर पर कितने व्हीकल्स हैं, इस तरह से अगर वो घर से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है फ्रॉम अनदर सोर्स, देन दैट डेटा इज नॉन एज द डेटा सेकेंडरी। ऑलराइट, आई होप हमारे व्यूअर्स को यहाँ तक का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझ आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा का कोई और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। मान लीजिए टीचर प्रोजेक्ट देता है या कोई भी एक एजुकेशनल टूर या ट्रिप, लेट अस से ट्रिप ऑर्गेनाइज किया मैथमेटिक्स टीचर्स ने या कुछ सब्जेक्ट्स की टीचर्स ने मिलकर, और उस ट्रिप के अंडर द स्टूडेंट्स आर विजिटिंग टू अ जू, जू में जाते हैं, जू में जाने से पहले इट कैन ऑल्सो बी एन इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, इट कैन ऑल्सो बी अ प्रोजेक्ट फॉर मैथमेटिक्स। टीचर वहीं से अपने बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे आपने वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड्स का डेटा जो है वो कलेक्ट करके वापस आना है और फिर उसे ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। तो इस तरह से जब हमारे स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को अपने आसपास, अपने एनवायरमेंट में, अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे, फील करेंगे, देन दे विल फाइंड दैट मैथमेटिक्स इज नॉट दैट टफ सब्जेक्ट। तो हमने डिस्कस किया प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का एक और एग्जाम्पल इसी तरह से लेते हैं, जैसा क्या रहता है स्कूल्स में, इफ देर आर वेरियस सेक्शंस फॉर वेरियस क्लासेस, देर इज क्लास नर्सरी, देन देर इज क्लास केजी, देन देर इज क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑनवर्ड्स। सो सभी क्लासेस की जो अटेंडेंस है होता क्या है,
वो अटेंडेंस एक अटेंडेंस रजिस्टर्ड क्लास टीचर के पास होता है। क्लास टीचर डेली क्लास में जा रहा है, क्लास में जाने के बाद रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, इस तरह से वो अटेंडेंस ले रहा है। सो फॉर द टीचर इट विल बी नोन एज द प्राइमरी डेटा बिकॉज ही इज कलेक्टिंग दैट डेटा हिमसेल्फ और हरसेल्फ। बट अगर वो डेटा कोई पर्टिकुलर क्लास टीचर स्कूल के पोर्टल पर आगे अपना फिल कर रहा है, देन आई एम द क्लास इन चार्ज ऑफ क्लास फर्स्ट, तो मैंने फिल करना है कि आज मेरी क्लास में 30 में से 27 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। एनी टीचर फॉर क्लास 10th, ही इज फीलिंग दैट आउट ऑफ 40, 37 स्टूडेंट्स और 38 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। सो इफ आई एम द टीचर ऑफ क्लास 12, आई एम अगेन फीलिंग द डेटा फॉर दैट। तो अब डेटा जो है वो फिल किया मैंने या फिर रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर वो सबमिट किया या पोर्टल पर फिल किया, तो अभी अटेंडेंस क्लास में टीचर ने ली थी, बट वो डेटा जो रिसेप्शनिस्ट ने कलेक्ट किया है पोर्टल से, उसके लिए वो डेटा जो है सेकेंडरी डेटा के फॉर्म में जाना जाएगा। तो आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द मीन, मोड एंड मीडियन। दीज आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड व्हाट डू वी मीन बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से हमारे स्टूडेंट्स क्लास 9th में भी इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, दैट यस मीन, मोड एंड मीडियन, दीज थ्री आर नोन एज द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। किसी भी गिवन डेटा की अप्रोक्सीमेट सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू क्या होगी, तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीन को, विच कैन ऑल्सो बी नोन एज अर्थमेटिक मीन। सो मीन ऑफ द वैल्यूज, अगर हमने कुछ डेटा लिया x1, x2, x3 अप टू xn, इन सभी का जो मीन है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय x बार एंड दैट विल बी गिवन एज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लेट मी राइट इट हियर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जैसा कि हम कोई भी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, लेट मी से कि कोई पर्टिकुलर पर्सन डेली वेजेस पे काम करता है, डेली वेजेस पर काम करने के बाद इन द मंथ ऑफ जनवरी ही इज एबल टू अर्न 10,000 rupees फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ, इन द मंथ ऑफ फरवरी ही इज एबल टू अर्न 15,000, इन मार्च 12,000, इन अप्रैल एनी अदर अमाउंट, सिमिलरली फॉर ऑल द 12 मंथ्स ऑफ ईयर ही इज अर्निंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी मंथली। सो अगर मैं जानना चाहती हूँ कि ऑन एन एवरेज अगर उस पर्टिकुलर वर्कर ने डेली या एवरी मंथ के लिए इक्वल सैलरी उसे मिलती, तो वो अमाउंट क्या होता, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऑल 12 मंथ की जो उसकी इनकम है उन्हें प्लस करेंगे एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि हमने यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 दी। तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, यानी देयर कैन बी मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन बिटवीन एंड इफ दीज टर्म्स आर n टर्म्स देन इट विल बी डिवाइडेड बाय n, देयर n इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो दिस इज द फॉर्मूला व्हिच आवर स्टूडेंट्स हैव आल्सो यूज्ड इन क्लास 9, बट हम अगर बात करते हैं क्लास 10th में, तो अभी हम मीन निकालना सीखेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो हमारी रहती है उसका। अगर आपको मीन कैलकुलेट करना है तो हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट, सबसे पहले देर इज डायरेक्ट मेथड फॉर डूइंग दैट, देर इज अज्यूम्ड मीन मेथड एंड देर इज स्टेप डेविएशन मेथड फॉर सॉल्विंग फॉर अर्थमेटिक मीन। यानी मीन निकालने की ही हम अभी क्लास 10th में 3 मोर मेथड्स करेंगे और किस तरह के डेटा गिवन होगा हमें, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी गिवन टू अस। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आवर स्टूडेंट्स नोज इट वेरी वेल, दैट मीन्स इफ आई एम गिविंग द डेटा इन द फॉर्म, लेट अस से कि क्लास में टीचर ने एग्जाम हुआ 100 मार्क्स का वो एग्जाम है और टीचर ने पूछा कि 0 to 10 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 to 30, 30 to 40, तो अभी क्या किया, पूरी क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। So this will be known as group frequency distribution. Frequency यहाँ पर क्या होगी इस example में, the number of students existing in a particular group. अगर मैं बात करती हूँ कि 60 to 70 marks का जो group है
उस पर्टिकुलर ग्रुप में देयर आर 7 स्टूडेंट्स ऑफ दैट क्लास, तो दैट मींस 7 विल बी नोन एज अ फ्रीक्वेंसी. सो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को हम डिस्कस करते हैं. डायरेक्ट मेथड इज व्हाट? डायरेक्ट मेथड के लिए इज द ऑब्जर्वेशंस x1 x2 अप टू xn. These have the frequencies as f1, f2, up to fn. Then the arithmetic mean will be given as f1 into x1 plus f2 into x2 plus f3 into x3 and so on plus fn into xn. This whole will be divided by the sum of the frequencies. जैसा कि हमने जो भी example लिया था, इस example में हम बात करते हैं कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 marks लेने वाले जो students हैं, let these be 2, 1, 3, 5, 7. So what do we mean by this denominator? This is simply sigma fi. And what this word sigma is known as? Sigma means the sum of all the frequencies. Sum of all the frequencies, that will be known as sigma. Here the numerator, this can also be written as sigma fi into xi, जहाँ पर ये जो value i है, that is moving from 1 to n. क्योंकि हमने जो data लिया है, वो x1 से xn तक, f1 से fn तक लिया है. और अगर हम बात करते हैं अपने question में, तो हमारे question में क्या चल रहा है? In this question, these all will be known as the class intervals. And these will be known as the frequencies. Let us see it with the help of this question. What is this there in our question? Basically, it is given to us that 30 women were examined in a hospital by a doctor. And the number of heartbeats of these women were tested, were recorded and summarized as follows. We have to find the heartbeats per minute for these women choosing a particular method. तो अभी हमने सिर्फ direct method सीखा है, तो direct method से हम calculate करते हैं. हमें समझ आ रहा है कि yes, these number of women will be known as the frequency. This is our class interval. And first of all, we will find the class mark. क्लास मार्क क्या होता है डियर व्यूअर, उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज नॉन एज द लोअर लिमिट, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉन एज द अपर लिमिट. और अगर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बिल्कुल मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों का मीन निकालते हैं, तो दैट विल बी नॉन एज द क्लास मार्क. और इन दोनों का मिड वैल्यू या क्लास मार्क निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, व्हाट दैट इज सिंपली लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम प्लस करेंगे एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2. तो इफ यू आर एडिंग दिस लोअर एंड अपर लिमिट, यू आर गेटिंग 65 प्लस 68, दैट विल बी 133 एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी 66.5 फॉर दिस क्लास इंटरवल. इसी तरह से हम सभी क्लास इंटरवल्स का क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल पुट दैट हियर. इट विल बी 75.5. Then between 77 and 80, the very mid value of both of these, that is 78.5. Further, it is 81.5 and then it is 84.5. These are the class intervals. Further, हमें जो चीज करनी है, we will find fi into xi. So, what xi here is? That is your class mark. What fi here is? That is number of women. That means frequency. कितनी women किस group में आ रही हैं? तो सबसे पहले fi xi, that means f1 को x1 से आपको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल राइट दैट वैल्यू हियर. सो व्हाट 66 इनटू 2, दैट इज सिंपली 132 एंड इफ यू विल मल्टीप्लाई 2 बाय 0.5, दैट विल बी 1, सो इट इज फाइनली 133. सिमिलरली वी विल मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दीज वैल्यूज एंड फॉर एग्जांपल हियर वी आर गेटिंग 278. 72.5 को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 75.5 इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय योर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी व्हिच इज 8, देन 78.5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 7, 81.5 दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 84.5 दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2. हमने बात की कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन.
The formula for finding the mean is simply sigma fi xi divided by sigma fi. So what sigma fi xi is, जो भी इन सभी values का sum होगा, that will be calculated. जो भी सारी frequencies का sum है, that is simply sigma fi. So you will add all of these values and that will be divided by 30. That will be giving our final answer. This is how you can find mean by using the direct method. So direct method of calculating mean के बाद डिस्कस करेंगे assumed mean method. जैसा कि dear viewers आपको लग रहा होगा कि these calculations are not that much lengthy. We can multiply these easily, but at some places ऐसा भी होता है कि values बहुत ज़्यादा lengthy हैं. हमें बहुत ज़्यादा इस तरह की values दी गई हैं जिन्हें multiply करके या frequency जैसे कि किसी question में आपके पास 41, 27 इस तरह से frequencies जो हैं वो भी बड़ी हैं जिसके कारण multiplication में time भी ज़्यादा लगेगा और mistakes होने के chances, error होने के chances भी ज़्यादा रहेंगे. तो उन दोनों ही चीज़ों को avoid करने के लिए lengthy statements में हम क्या करेंगे? We will use the assumed mean method and there is one more method which is known as step deviation method. तो सबसे पहले assumed mean method की हम बात करते हैं. अगर हम बात करें assumed mean method की, तो again if we have the same data having frequencies f1, f2 up to fn, then arithmetic mean will surely be written as x bar and that is equals to simply a plus sigma fi into di divided by sigma fi. जहाँ पर sigma fi अभी भी इस चीज को हमें बताता है, sigma fi is sum of the frequencies. And if we are talking about di, what di is, that is new to our viewers. Di के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है. This is the deviation. Let me say this is given by xi minus a. So di is xi minus a. और अगर हम बात करते हैं कि what this a is, so this a is assumed mean. क्योंकि हमारे method का नाम ही है assumed mean method. तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? अपने आप से अपने गिवन डेटा में से किसी भी एक क्लास मार्क को एक्स आई की किसी भी एक वैल्यू को हम एज्यूम कर लें कि यस ये हमारा मीन है. राइट, लेट अस डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन. दिस इज द सेम क्वेश्चन. अगर हम सेम क्वेश्चन को एज्यूम मीन मेथड से करते हैं तो देखते हैं कि क्या हमें हेल्प मिल रही है, क्या बेटर रहता है. इट इज 30 विमेन but examine the same question is there. So let us first calculate the class mark. बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने calculate किया था. This time our main focus is to discuss the assumed mean method. Then it is 75.5. Then it is 78.5, 81.5, 84.5. And if we are talking about FIDI, we will not calculate FIDI here. In place of that, we will find the value of DI, which is XI minus A. जहाँ पर XI, X1, X2, X3, X4 इन सब values को define करता है और A होता है assumed mean. हमने बात की कि XI में से ही किसी भी एक value को हम assume कर रहे हैं कि चलो जी मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा mean है. वैसे तो डियर व्यूअर्स आप किसी भी वैल्यू को एज्यूम करेंगे मीन आपका आंसर ठीक ही आएगा, बट हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि मिडल वैल्यू को एज्यूम कर लिया जाए टू मेक आवर कैलकुलेशंस मोर इजी. लेट दिस बी द, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी के ही मेजर्स हैं, तो हमने सेंट्रल मोस्ट वैल्यू को अपना मीन एज्यूम कर लिया. अब आप सोचेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है वो 7 ना होकर 8 हो जाए. जो क्लास इंटरवल्स हैं 8 और 10, that means even number of class intervals अगर हमारे पास आ जाते हैं, तो middle two values में से हम जिस मर्जी value को ही अपना mean assume कर सकते हैं. Okay, so here we will write xi minus a. आप चाहें तो आप यहाँ पर a की value direct अपनी table में top most पर लिख सकते हैं, xi minus 75.5. तो 66.5 में से जब हमने 75.5 को minus किया, we are getting minus 9. Then 69.5 minus 75.5, which is minus 6,
देन नेगेटिव 3, देन 0 इज देयर, क्योंकि 77.5 में से आप जब 77.5 को माइनस करेंगे दैट विल बी 0. फर्दर इट इज 3, इट इज 6 एंड इट इज 9. दीज आर डी आईज. अब ये डी आई निकालने के कारण क्या हुआ, हमें एफ आई इंटू डी आई कैलकुलेट करना है. एफ आई हमें पता है दैट इज नंबर ऑफ वुमेन हियर. सो अभी देखो कितना इजी हो गया मल्टीप्लीकेशन. पहले आप कर रहे थे 2 × 66.5, अभी आपको करना है 2 × 9 = 18 एंड साइन विल बी नेगेटिव. सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज -24, -9, 0, 21, 7 × 3, देन 6 × 4 = 24, 9 × 2 = 18. सो उस कैलकुलेशन को सॉल्व करना कितना इजी हमारे पास हो जाता है. और इसमें भी देखिए हमें कैलकुलेट करना है या यहाँ पर जो वैल्यू लिखनी है दैट इज सिग्मा एफ आई इंटू डी आई. हम देख सकते हैं कि जो नीचे की तीनों वैल्यूज हैं दीज आर पॉजिटिव एंड दीज 3 वैल्यूज आर नेगेटिव. तो आप नेगेटिव वैल्यूज को एड करेंगे दैट यू आर गेटिंग -27, -24 और एज अ रिजल्ट इट इज -51. इसी तरह से आप इन तीनों पॉजिटिव वैल्यूज को भी प्लस करेंगे, हियर यू आर गेटिंग 63. यस, सो एज अ रिजल्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ आई इनटू डी आई इज 12. एंड वी नो दैट व्हाट आर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन इज ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई. ध्यान रखेंगे कि फ्रीक्वेंसीज के सम से सिर्फ सिग्मा एफ आई डी आई को हमें डिवाइड करना है, ए विल बी टेकन सेपरेटली, क्योंकि उसको तो हम पहले से ही एज्यूम कर चुके हैं कि ये हमारा मीन है. अब हमें सिर्फ इतना ही सोचना है कि ओके डिफरेंस कहाँ आ रहा है, जो हमने एज्यूम किया था उसमें जो वेरिएशन है वो वेरिएशन यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई की हेल्प से हम निकाल देंगे. सो ऑल राइट, क्या करना होगा हमें, वी विल जस्ट एंड ओनली राइट डाउन दिस 12 in place of sigma FIDI. और हमने A की वैल्यू जो भी एज्यूम की थी दैट वाज 75.5 वो हम पुट करेंगे प्लस 12 डिवाइडेड बाय 30. और 12 डिवाइडेड बाय 30 को बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. इट इज नाउ 75.5 प्लस ओके इफ यू वांट टू कैंसिल यू कैन कैंसिल इट ऑन द टेबल ऑफ 3 एंड इट इज फाइनली 0.4 एंड एज अ रिजल्ट द मीन इज 75.9. तो इस तरह से कैलकुलेशन करना कितना इजी हो जाता है अगर हम यूज करते हैं एज्यूम मीन मेथड. देयर इज वन मोर क्वेश्चन हियर, व्हाट इट इज दैट अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिपोर्ट्स फॉर द 40 स्टूडेंट्स फॉर द होल टर्म. फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है, नंबर ऑफ डेज हमारे पास है, हमें क्या करना है mean number of days निकालना है. So the question is very much same. I would like our viewers to solve this question on their own later. Yes, ma'am. Ma'am, it's time to wrap up this session. Thank you so much, ma'am, for providing and explaining this chapter statistics. Thank you, ma'am. Have a nice day. And जी धन्यवाद. और मैं चाहूँगी हमारे viewers जो हैं वो questions related to statistics आज हमने मीन टॉपिक को डिस्कस किया है वो सॉल्व करें क्वेश्चंस और हम सभी के साथ उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जरूर शेयर करें सो दैट हमें मोटिवेशन मिलता रहे. और अगर हमारे व्यूअर्स को कोई भी प्रॉब्लम्स है सो डियर व्यूअर्स प्लीज सॉल्व डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद अस. बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम सविता मैम. हमने हमारे जो स्टूडेंट्स लर्नर्स हैं व्यूवर्स हैं उनको हमारे माध्यम बताए हैं, वो किसी भी माध्यम पे जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आप हमारा ये सेशन अब यहीं संपन्न होने जा रहा है, लेकिन आप जुड़े रहिए विद्या चैनल से, क्योंकि कुछ ही देर में हम फिर हाजिर होंगे एक सब्जेक्ट के साथ, वो है सोशल साइंस का सब्जेक्ट क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए. टॉपिक है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड पार्ट 2. तो जुड़े रहिए ई विद्या चैनल से और हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.